अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं फरोज और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल सिविल कंस्ट्रक्शन वर्ल्ड। दोस्तों, जैसे कि आज की जो हमारी वीडियो है सिप्टी टैंक के बारे में, यहां पर सिप्टी टैंक का यहां पर प्लास्टर वर्क रफ हो चुका है, यहां पर फिनिशिंग वर्क कर रहे हैं, वाटर प्रूफिंग वर्क कौन सा केमिकल लेके कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं, वहाँ ऑलरेडी शॉर्ट में थोड़ा सा शॉर्ट वीडियो में वहाँ पर खाली डेमो दिया हूँ, यहाँ पर फुल ब्रीफ वीडियो बताऊँगा। बने रही इस वीडियो पर पूरी इन्फॉर्मेशन जानकारी हासिल करने के लिए। फ्रेंड्स एंड एवरीवन, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ मिस्त्री हैं, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे वाटर लिया गया है और यहाँ पे डॉक्टर फिक्सिट का केमिकल भी यहाँ पे ऐड किया गया है, सीमेंट भी यहाँ पे ऐड किया गया है, इसे यहाँ पे मिक्सिंग कर रहे हैं। जैसा कि देख सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मिक्सिंग अच्छा होना चाहिए। जब भी आप वाटर प्रूफिंग करते हैं, मिक्सिंग जो है वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर दी डूइंग इन सिप्टी टैंक प्लास्टरिंग वर्क। मिक्सिंग अच्छा करना चाहिए हमें फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, यहाँ पर मिक्सिंग हो रहा है, जैसा कि यहाँ पर वर्कर्स भी यहाँ पर देख सकते हैं, और जो केमिकल्स यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे वाटर प्रूफिंग का यहाँ पे जो केमिकल है बताता हूँ, बने रही इस वीडियो पे। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे डॉक्टर फिक्सिट 101 LY, यहाँ पे देख सकते हैं पेडी, यहाँ पे देख सकते हैं पेडी प्रूफ बोल के यहाँ पे केमिकल है, यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं डॉक्टर फिक्सिट का। और यहाँ पर जिस तरह से जैसे यहाँ पर मिक्सिंग भी हो रहा है, यहाँ पर जैसे वर्कर्स हैं यहाँ पर मिक्सिंग कर रहे हैं, और यहाँ पर अंदर भी यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि मिस्त्री वगैरह यहाँ पे फिनिशिंग वर्क चल रहा है। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं जो कॉर्नर्स में यहाँ पे लीकेजेस नहीं होना बोल के यहाँ पे अलग से यहाँ पे पट्टी वगैरह बनाया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। बने रहिए इस वीडियो पे पूरी इंफॉर्मेशन जानकारी हासिल करने के लिए। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, नीचे जो है, नीचे का जो एरिया में रफ प्लास्टर हुआ है, वहाँ पे भी वाटर प्रूफिंग नहीं हुआ है, बहुत जल्द वहाँ पे भी वाटर प्रूफिंग हो जाएगा। जैसे मिस्त्री हमारे जाके वहाँ पे वाटर प्रूफिंग भी कर देंगे। वो किस तरह से वाटर प्रूफिंग होता है बताता हूँ। सिप्टी टैंक है, जैसे कि सिप्टी टैंक का साइज़ है 12 लेंथ है इसका, और इसको 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है, 4 फीट 4 फीट 4 फीट, और इसका जो ब्रेथ है यहाँ पर 3 फीट का है, लेंथ 12, ब्रेथ 3 फीट, और डेप्थ जो है उसका 10 फीट है। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर फिनिशिंग कर रहे हैं। ओके, ये वाला जो है रफ़ किया है वाटर प्रूफिंग के लिए, देन ये जो चल रहा है यहाँ पे फाइनल कर रहे हैं यहाँ पे। तो दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे केमिकल डाल रहे हैं थोड़ा वाटर प्रूफिंग के लिए, यहाँ पे डॉक्टर फिक्सिट देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे डॉक्टर फिक्सिट का यहाँ पे केमिकल डाल रहे हैं। जैसे कि वर्कर्स हैं हमारे यहाँ पे, आप इसको थोड़ा सा शेक कर लेंगे अच्छे से, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे केमिकल मिल चुका है उसको, यहाँ पे अच्छा जो करनी रहेगा, करनी से इसको अच्छा ये कर लेंगे, मिक्सिंग कर लेंगे इसको, यहाँ पे देख सकते हैं। ये स्टेप जो है बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, और यहाँ पे जो डॉक्टर फिक्सिट का यहाँ पे कितने लीटर का है यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये जो है 424, यहाँ पे देख सकते हैं कितने बैग के लिए आएगा, यहाँ पे 425 बैग्स ऑफ सीमेंट के लिए यहाँ पे पूरा बॉक्स है, और यहाँ पे वर्कर्स भी यहाँ पे मिक्सिंग करके ये नीचे देंगे। उसके बाद यहाँ पे वाटर प्रूफिंग का काम आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से यहाँ पे वाटर प्रूफिंग का काम होगा। ओके, जैसे कि यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, बने रहिए इस वीडियो पे पूरी इन्फॉर्मेशन जानकारी हासिल करने के लिए। ये वाटर प्रूफिंग करने के बाद जो नेक्स्ट जो डे रहेगा, नेक्स्ट डे पे यहाँ पे 24 आवर्स के बाद यहाँ पे क्यूरिंग टेस्ट हम स्टार्ट करेंगे। इसको पानी भर लेंगे यहाँ पे, पानी फिलअप कर लेके डे बाई चेक करेंगे हम के पानी जो वाटर प्रूफिंग किया है क्या लीकेज हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और दूसरी इंपॉर्टेंट नोट मैं आपको बताता हूँ, ये आज वाटर प्रूफिंग कर रहे हैं हम, वाटर प्रूफिंग करने के बाद हम इसे सडनली स्लैब नहीं डाल सकते, सडनली स्लैब हम नहीं डाल सकते, बिकॉज ऑफ विथआउट एनी चेकिंग, विथआउट एनी टेस्टिंग ऑफ द सिप्टी टैंक वी डोंट डू दिस सिप्टी टैंक स्लैब वर्क। फर्स्ट ऑफ ऑल वी कंप्लीट दी वाटर प्रूफिंग वर्क, देन वी वी चेक दी 7 डेज, मिनिमम 7 डेज, 14 डेज चेक दी वाटर लेवल, इट्स लीकेजेस और नॉट, इट्स सक्सेसफुल, इट इज़ नॉट लीकेजेस दी वाटर, देन वी स्टार्ट टू दी नेक्स्ट वर्ड, इट इज़ स्लैब कास्टिंग। स्लैब कास्टिंग हम कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना चाहिए, 7 डेज के लिए, 14 डेज के लिए यहाँ पे वाटर टेस्टिंग करना चाहिए। वाटर टेस्टिंग के बाद हम क्या कर सकते हैं, स्लैब का वर्क स्टार्ट कर सकते हैं, सेंटरिंग का, उसके बाद स्लैब डाल सकते हैं। ये वर्क होने के बाद हमें यहाँ पे अच्छा सा फुल पानी भर लेना चाहिए वाटर इसमें सिप्टी टैंक में, उसके बाद हमें डे बाई पानी चेक करना चाहिए
और वहाँ पे मार्कर से मार्क करना चाहिए कितना लीकेजेस हो रहा है। अगर 1 इंच 2 इंच लीकेजेस होगा वाटर तो उससे रिपेयर वर्क की ज़रूरत नहीं है। अगर डेली आपका 6 इंच या फिर 1 फीट पानी डेली कम हो रहा है, लीकेजेस हो रहा है, तो जैसा कि मिस्त्री यहाँ पे वाटर प्रूफिंग कर रहे हैं, इस तरह से आपको रिपेयर वर्क और एक बार यहाँ पे वाटर प्रूफिंग करने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो जब भी आप वाटर प्रूफिंग कराएंगे तो पूरा कंप्लीट कराना और अच्छा कराना। जहाँ तक हो सकता है केमिकल ज़्यादा यूज़ करेंगे, जितना अमाउंट ऑफ केमिकल क्वांटिटी रहेगी उतना इस्तेमाल करेंगे तो बेटर रहेगा। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं, बने रहिए इस वीडियो पे पूरी इन्फॉर्मेशन जानकारी हासिल करने के लिए। सो दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जैसा कि किस तरह से यहाँ पे 3 सेक्शन है, यहाँ पे 3 सेक्शन में यहाँ पे 3 मिस्त्री यहाँ पे काम कर रहे हैं। ओके, बने रहिए इस वीडियो पे पूरी इन्फॉर्मेशन जानकारी हासिल करने के लिए। जो कॉर्नर्स में यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो पट्टी यहाँ पे स्लोप में दिया गया, स्पेशली ये कॉर्नर्स पे प्रोवाइड करते हैं। ज़्यादातर जो वाटर जो लीकेजेस होने के चांसेस रहते हैं वो कॉर्नर्स पे होते हैं। जहाँ पे भी 4 कॉर्नर्स होंगे, 1, 2, 3, 4, वहाँ पे इस तरह से ये क्या बोल सकते हैं, हैंचिंग बोल सकते हैं। ये जैसे कि यहाँ पे किस तरह से स्लोप दिया गया, इस तरह से वहाँ पे भी ऑफिस को भी 4 जगह देंगे, वहाँ पे भी ऑफिस को भी 4 जगह देंगे। वहाँ पे मैं जूमिंग कर रहा हूँ, देख सकते हैं यहाँ पे वाटर प्रूफिंग डन हो चुका है और यहाँ पे अंडर प्रोग्रेस यहाँ पे चल रहा है। ओके, बने रहिए इस वीडियो पे पूरी इन्फॉर्मेशन जानकारी हासिल करने के लिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। प्लीज़ सपोर्ट फॉर दी 10K सब्सक्राइबर एंड आल्सो सपोर्ट फॉर दी फ्रेशर सिविल इंजीनियर एंड आल्सो डोंट फॉरगेट टू क्लिक द बेल आइकॉन बटन टू गेट ऑल न्यू नोटिफिकेशन फॉर लेटेस्ट एंड फ्यूचर वीडियोज़। ओके, यहाँ पे जो गुरुमाला है, गुरुमाला से देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से यहाँ पे फिनिशिंग हो रहा है विद द हेल्प ऑफ द गुरुमाला, स्टील का गुरुमाला बोल सकते हैं, ये वुडन लकड़ी का तो नहीं है। यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे पूरा सॉफ्ट ये फिनिशिंग होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे जो भी रेती रहेगी आपको रेती नज़र नहीं आएगी, यहाँ पे पूरा ये स्मूथ यहाँ पे फिनिशिंग हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से यहाँ पे जो मिस्त्री है यहाँ पे वर्क कर रहे हैं। ओके, और यहाँ पे भी देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे वर्क हो रहा है। ओके, ये फिनिशिंग वर्क है, ये फर्स्ट कब आएगा बोलते हो, जब आप एक कोट रफ कोट कर देंगे, रफ कोट करने के बाद प्लास्टर का ये फिनिशिंग वर्क आएगा लास्ट में, इसे बोलते हैं वाटर प्रूफिंग वर्क बोल सकते हैं उसे। ओके, और ये होने के बाद लास्ट में नीचे का कर लेंगे, जो हमारे मिस्त्री है नीचे का करने के बाद ऊपर आ जाएंगे। नीचे का होने के बाद, नीचे का इसलिए हम नहीं करते फर्स्ट में क्योंकि ख़राब जैसा कि टेबल रहता है, टेबल हिलने की वजह से, नीचे का ख़राब होने की वजह से नीचे का नहीं करते। नीचे का लास्ट में हम वहाँ पे नीचे का लास्ट में वर्क करते हैं। यहाँ पे भी फिनिशिंग देख सकते हैं, यहाँ पे भी आप फिनिशिंग देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे वर्क हो रहा है। फ्रेंड्स एंड एवरीवन, जैसा कि आज की वीडियो थी हमारी सिपी टैंक के बारे में थी, वाटर प्रूफिंग वर्क के बारे में। जैसे कि आज की वीडियो आपको समझ में आई है, इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो, इफ़ यू हैविंग एनी डाउट्स रिलेटेड टू दिस वीडियो एंड अदर वीडियोस एंड ऑल वीडियोस, कमेंट सेक्शन फॉर यू, यू कैन कमेंट्स एट द एनी टाइम्स फॉर दी अवर यूट्यूब वीडियोज। इफ़ यू वॉन्ट एनी न्यू वीडियोज, एनी लेटेस्ट वीडियोज, एनी फ्यूचर वीडियोज, यू कैन कमेंट इन एनी टाइम एंड ऑल्सो क्लिक द बेल आइकॉन बटन टू गेट द न्यू नोटिफिकेशन ऑफ आवर यूट्यूब चैनल and also support for the 10K subscriber. We will meet you in new video, we will see you in new video as soon as possible. Maybe next video lift, already you see here dead site, the work is started for the staircase and also lift. I will tell you new video, new concept. So friends, Allah Hafiz, dostan, take care, safe, bye bye.